हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है, हम यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो था, पहले लाइन सुनो, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू असेस कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी इंक्लूड। ये क्वेश्चन जो उन्होंने डाला था वो ऐसे डाला था, आपको 5-7 ऑप्शंस दे दी थी, वो कहते थे इनमें से चूज करके बताओ। देखो, उन्होंने आपको सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स दिए थे, वो कहते थे इनमें से कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो अब कस्टमर के दिमाग में सर्विस की क्वालिटी को लेकर नजरिया, जिससे आप उसको नाप सकते हो। देखो, सबसे पहले आता है सर्वेक्ल। जो सर्विकल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, जो कस्टमर की परसेप्शंस, उसके नज़रिए क्या उसकी इच्छाएं हैं सर्विस क्वालिटी को लेके अलग अलग डायमेंशंस के दिमाग में रखते हुए भी है। ये जो आपका सर्विकल है, ये उसको आपको मेजर करके बताता है, नाप के बताता है। यानी जितनी भी कस्टमर की इच्छाएं, उसकी परसेप्शंस है, एक्सपेक्टेशंस है, उसके नज़रिए सर्विस की क्वालिटी को हर डायमेंशन से देखा जाए, तो उन सभी को ये आपको नाप कर बताएगा क्या सर्विस रिलायबल है, आपको टाइम पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस है उसकी, एम्पथी, टेंजिबल, सब कुछ इसमें इंक्लूसिव है। सेकेंड आता है सर्व पर्फ। देखो, जो सर्व पर्फ है, ये एक सर्वेक्यूल की ही, यानी सर्विक्यूल की ही एक वेरिएशन है। बस इसका जो मेन मुद्दा कह लो, जो मेन इसका फोकस है, वो है परफॉर्मेंस पे। यानी ये केवल ना जो सर्विस, अगर देखो ये सारे ना सर्विस क्वालिटी को नापते हैं। अब जो ये आपका सर्वे पर्फ है, ये यही कहता है अगर सर्विस आपको परफॉर्मेंस दे रही है तभी आपकी उसकी क्वालिटी अच्छी है। यानी एक ही पैरामीटर है इसमें, यानी ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। फिर आता है सिक्स सिग्मा। देखो, जो सिक्स सिग्मा है, ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट मेथडोलॉजी है, और आप ये कह सकते हो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसका मेन काम क्या है, वो ये कहते हैं भाई, जो डिफेक्ट्स, देखो नो डाउट डिफेक्ट्स आएंगे, गलतियाँ होंगी, उनको कम से कम किया जा सके और आप अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाओ। यानी इसमें कस्टमर की फीडबैक होगी, आप उनकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करोगे, तभी आपको पता चलेगा जब आपने सर्विस डिलीवर की थी उसमें क्या डिफेक्ट्स आए हैं। सो इसमें ये आप ना कह सकते हो कि ये कोई डायरेक्ट सर्विस को नापने ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको सर्विस क्वालिटी बताता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस रिकवरी। अब जो सर्विस फेलियर्स हैं, देखो चीज़ों का बिगड़ना एक नेचुरल थिंग है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको सर्विस की रिकवरी करनी पड़ेगी बहुत जल्दी। अगर आपका कोई डिफॉल्ट हो गया, कस्टमर ने कोई कंप्लेंट डाली है, आप ट्राई करो कि वो कंप्लेंट जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जो एरर्स आए हैं उनको रेक्टिफाई करो और कंपेंसेट कस्टमर्स को करो, ताजो उनका भरोसा बना रहे। सो ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। सो ये चार ऑप्शंस थे, चार में से सिर्फ दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो सर्विस क्वालिटी बताते हैं, परसेप्शन को ध्यान में रखते हैं, वो सर्विकल और सर्व पर्फ हैं, और जो सिक्स सिग्मा और सर्विस रिकवरी है, ये डिफरेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है CRM का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहले तो CRM की फुल फॉर्म समझो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो, आपको अपनी कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बनानी है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी है, उसको मेंटेन करना है अगर आप सर्विस मार्केटिंग कर रहे हो। जो CRM की स्ट्रेटजीज हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट करो, कस्टमर से फीड, ऐसे मैकेनिज्म बनाओ जिससे आपको कस्टमर से फीडबैक मिले, तभी आप कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ा पाओगे और उनको रिटेन कर पाओगे। क्वेश्चन आया था एक, कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर्स एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर। देखो, जो कंपनीज जो CRM में सक्सेस कर रही हैं, जिनको CRM का मतलब पता है, उनको अच्छे से कंडक्ट कर रही हैं, इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो अब पॉसिबल है उनके लिए कि वो अच्छे कस्टमर्स को रिटेन कर पा रही हैं और अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर पा रही हैं। सो जो CRM के मेन इंफोसिस हैं, यही है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छी बनाई जाए, उनकी ज़रूरतों को समझो, उनको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दो, और जो उनकी वॉन्ट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको आप पूरा करो, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स आते हैं CRM में, वो देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था। देखो, सबसे पहले तो आपको CRM प्रोग्राम को डेवलप करना पड़ेगा। अब ये CRM जो प्रोग्राम है, ये होगा जो आपके टारगेट कस्टमर है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग।
फिर आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो अगर तो आपने इफेक्टिवली कस्टमर रिलेशनशिप बिठानी है, मैनेज करनी है, तो आपको जितना भी कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा है, जैसे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कैसी उसकी परचेज हिस्ट्री रही है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा कलेक्ट करने से आपकी चीज़ें हल नहीं होंगी, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो एक बार अगर डाटा कलेक्ट हो गया, आप उसको एनालाइज करो, टूल्स यूज़ करो, तभी आपको पता चलेगा कि भाई कस्टमर बिहेव कैसे कर रहा है, क्या वो चीज़ों को तवज्जो दे रहा है, ट्रेंड्स क्या वो शो कर रहा है। ये चीज़ आपको हेल्प करती है, आप कस्टमर की ज़रूरतों को समझ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताजो आप उनको पर्सनल इंगेजमेंट दे सको। जब ये सब कुछ हो गया फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो। देखो अगर आपने एक बार कस्टमर का डाटा एनालाइज कर लिया, फिर आप CRM प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाओ जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनको नॉर्मल कस्टमर से लॉयल कस्टमर्स में तब्दील करें, आप कस्टमर्स को रिटेन कर पाओ, उनको कहीं दूसरी कंपनीज पे शिफ्ट ना होने दो। अब ये चीज़ें सारा कुछ करने के लिए आपको मार्केटिंग कंपेन्स करने पड़ेंगे, अपनी जो आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हो उसको इम्प्रूवमेंट्स उसमें लानी पड़ेंगी, आप अपने लॉयल्टी प्रोग्राम्स आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब आपने CRM को इम्प्लीमेंट कर दिया, देखो इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले आपके लिए ना ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आपके जो टारगेट कस्टमर है, जिनको आप टैप ऑन करने जा रहे हो, जिनको सबसे ज़्यादा इन जो आप CRM करोगे उससे सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा और पॉजिटिवली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ, कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और आप उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाओगे। सर्विस प्राइसिंग, अब आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लानी है सर्विसेज के लिए, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है अगर, क्योंकि अब आपकी सर्विस इंटेंजिबल है। प्रोडक्ट्स का प्राइस तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों दिखती हैं, फील होती हैं, टच होती है, बट सर्विसेज तो हैं इंटेंजिबल। इसके लिए जो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग में जो आपने करनी है वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस की क्वालिटी, आप क्या दे रहे हो, आपके कस्टमर को वैल्यू क्या मिल रही है आपकी सर्विस लेके, और आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। अब जो आपकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है ना, ये वो प्राइसिंग पॉलिसी है जहाँ पे जो आपका प्राइस सर्विस का सेट किया जाता है ना, वो जो उसके बेसिस है वो ये है कि भाई कस्टमर अपने दिमाग में आपकी सर्विस को वैल्यू कितनी दे रहा है, ये कॉमन एक पैरामीटर है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में। सर्विस प्रमोशन, जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है सर्विसेज की भी प्रमोशन होती है। मुद्दा क्या है, सर्विस के बेनिफिट्स हाईलाइट करो, वैल्यू दिखाओ कस्टमर को, भाई अगर आप हमारी सर्विस लेते हो आपको ये चीज़ मिलेगी, यूनिक फीचर्स होने चाहिए आपके सर्विस के। अब ये सारी चीज़ें आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हो, मार्केटिंग करो, ऑनलाइन अपने स्टोर्स लेके जाओ, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, जिसे एक्स कह देते हैं आप, उसको यूज़ करो, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करो, टेस्टिमोनियल्स दो, अलग अलग जरिए ये आपको आते हैं। सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, जो आपका सर्विस डिलीवरी प्रोसेस है इस तरीके से डिज़ाइन करो, उसको इस तरीके से मैनेज करो कि वो कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी शो करे, उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए। इसमें आपको सर्विस जो दे रही हो जो उसके स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, जब भी वो सर्विस किसी भी बंदे को दी जाएगी उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके दी जाएगी। एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग दो, अपनी कस्टमर इंटरेक्शंस करो, ये ना हो भाई आप सर्विस आपका प्रोवाइडर देने जा रहा है, आप सर्विस दे के वापस आओ, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करो, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बिठाओ। लिवरेज करो टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतनी सर्विस अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। देखो जो सर्विस मार्केटिंग है ये एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, नो डाउट। अगर कस्टमर है वो भगवान है तभी आपकी सर्विस है, आपको उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उनको एक्सेप्शनल सर्विस एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे, यानी वो आपके सर्विस एक्सपीरियंस को याद रखें, आपकी वो उदाहरणें दे दूसरे लोगों को, एक उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिठानी पड़ेगी। जितनी इफेक्टिव आपकी सर्विसेज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी उतना ही आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो लॉयल बनेगा और आपका एट द एंड बिजनेस ग्रो करेगा। क्वेश्चन था एक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में थिंक दैट पेशेंट्स वांट बेटर फूड,
बट पेशेंट्स मे बी मोर कंसर्न विद नर्स रिस्पॉन्सिबनेस। हॉस्पिटल्स का क्या कहना है, वो ये कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि पेशेंट्स को अच्छा खाना चाहिए, बट असल में पेशेंट्स को अच्छी नर्सिस चाहिए जो उनकी चीज़ों को, जो उनके जो इलनेस है उसको रिस्पॉन्ड करें। जो ये स्टेटमेंट है ना, ये सजेस्ट करती है कि देखो दोनों के नज़रिए में फ़र्क तो है। हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है वो अलग सोच रही है, जो पेशेंट्स हैं वो अलग है, दोनों की प्रायोरिटीज़, दोनों के कंसर्न्स अलग अलग है। सो देखो जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वो तो ये मानते हैं कि भाई पेशेंट्स को खाना अच्छा चाहिए। सो जो ये स्टेटमेंट है ये बताते हैं कि पेशेंट्स को खाने के बजाय नर्सिस की रिस्पॉन्सिबनेस ज़्यादा चाहिए। अब ये चीज़ ना एक गैप दिखा रही है भाई, दोनों की एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस में कस्टमर कंज्यूमर यानी जो आपके पेशेंट्स हैं और जो आपकी मैनेजमेंट, जो आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें गैप तो है। इस गैप को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। एश्योरेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है। देखो ये आपको नॉलेज कितनी है, क्या कर्टेसी है एम्प्लॉयज़ की, और क्या उनकी काबिलियत है कि वो अपने कस्टमर को ट्रस्ट में लेके आ सकते हैं। मतलब अगर आपके आप सर्विस प्रोवाइडर और आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, अब जो वो एम्प्लॉयज हैं वो कितने काबिल हैं, कितने क्वालिफाइड हैं कि वो जब जाएंगे सर्विस देने अपने कस्टमर को, वो तब उसका भरोसा साथ लेके आएंगे, डैट इज एश्योरेंस। यानी ये ना आपके ना जो एक सर्वियुकल मॉडल है उसके ना 5 डायमेंशंस थे, उनमें से एक डायमेंशन है। इसे कॉमनली पता क्यों यूज करते हैं, कस्टमर्स के नज़रिए को नापने के लिए कि वो क्या प्रेफरेंस दे रहा है, क्या परसेप्शन बन रही है उसकी सर्विस को लेके। देखो जब एम्प्लॉयज़ अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपर्टाइज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वो डेमो देते हैं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, वो अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात करते हैं, तो ये चीज़ ना एक ट्रस्ट बना देती है कस्टमर का सर्विस प्रोवाइडर में, और जो यानी उसका ना भरोसा हो जाता है कि भाई जो वो सर्विस ले रहा है वो ठीक जगह से ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स क्या है मार्केटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखो मार्केटिंग के ट्रेंड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है सोशल मार्केटिंग। देखो जो सोशल मार्केटिंग है उसका मेन क्या पता क्या काम है, वो ये कहते हैं आप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करो बिहेवियरल चेंज को प्रमोट करने के लिए जिसका सोशल गुड हो, एट द एंड जो रिजल्ट मिलना ना वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। यानी आप ऐसे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करो जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करें, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सारे सोशल इश्यूज हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को सोशल मार्केटिंग का यूज करके पॉजिटिव बिहेवियर लेके आना है इकोनॉमी में, जो नेगेटिव बातें हैं उनको डिस्करेज करना है। आपको कंज्यूमर के इनसाइट्स लेने हैं और उनका बिहेवियर पॉजिटिवली चेंज करना है, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जो सोशल मार्केटिंग एक ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी स्टडी है जो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स का आप यूज़ करते हो, टेक्निक्स का यूज़ करते हो, ताजो आप सोशल चेंज ला सको, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सको और जितने भी सोसाइटी में इश्यूज हैं आप उनको एड्रेस कर सको। यानी इसमें आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करोगे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और आप ये ट्राई करोगे कि भाई जो आपकी स्ट्रेटेजी से जो उसका रिजल्ट निकले ना वो पॉजिटिव ही निकले, यानी पूरी सोसाइटी को बेनिफिट हो। गोल सोशल मार्केटिंग का बड़ा सिंपल है, बिहेवियर चेंज आपको लेके आना है। यानी आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी केवल एक बंदे के लिए नहीं, एज अ रिजल्ट पूरी इकोनॉमी, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करे, उसमें चेंज लेके आए। अब जो इश्यूज सोशल मार्केटिंग में कवर किए जाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा वाइड है। अब देखो ये तो वैसे कॉमन सी चीज़ है, आपको पता है। अब हम वो इश्यूज़ करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये सारे ना इश्यूज सोशल प्रॉब्लम्स ही हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना, आपने उनका वेलबींग प्रमोट करना, यही मेन मुद्दे होते हैं। सबसे पहले आता है टोबैको, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू है। यानी इस जो आपके सोशल मार्केटिंग कंपेनियंस है ना, मेन वो यही हाईलाइट करते हैं कि भाई इसके यूज़ को अवॉइड करो और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो दुनिया को दिखाओ। अब अगर आप मूवी देखने जाते हो तो सिनेमास में एक छोटा सा ट्रेलर मूवी से पहले चलाया जाता है कि अवॉइड स्मोकिंग और टबैको, उसके रिजल्ट दिखाए जाते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की वीडियोज दिखाई जाती है, सोशल अवेयरनेस कंपेन है।
हर ऐसे टीवी में एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, इवन जो आपके ये टोबैको और जो आपके सिगरेट्स वगैरह इस पे मेंशन्ड होता है, दीज आर हेल्थ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ये सारी सोशल मार्केटिंग में आते हैं। फैमिली प्लानिंग, देखो जो फैमिली प्लानिंग है ना, ये भी ऐसा एरिया है जहाँ सोशल मार्केटिंग अपना क्रूशल रोल प्ले करती है। इसमें आपको कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको ये बताना कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इससे हार्म हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करो, इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करो कि भाई वो अपनी फैमिली प्लानिंग करके ही चलें, इससे इकोनॉमी को भी नुकसान है, उनको पर्सनली भी नुकसान है। पब्लिक हेल्थ, सोशल मार्केटिंग कंपेन्स हमेशा पब्लिक हेल्थ को, जितने भी पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। वैक्सीनेशन देना, बच्चों को दो टाइमली जो वैक्सीनेशन है उनको दिलवाओ, अगर कोई डिजीज़ फैल रहा है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, जैसे कोविड में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चले थे। हेल्दी बिहेवियर्स इनकरेज करो, डाइट अच्छी लो, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल वेलबींग। देखो अब अगर मैं आपको सोशल मार्केटिंग में बताऊँ जो फाइनेंशियल वेलबींग है, अब ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो सोशल ऑल्सो जो आपकी सोशल मार्केट है कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को एड्रेस कर सकती है, नो डाउट, बट ये कोई एग्जैक्ट वो कोई सोसाइटी का कंसर्न नहीं है। इसमें जो कंपेन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को अच्छा बनाने के लिए। अब देखो आपने टीवी में एड्स वगैरह देखी होंगी, वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स करो, अपनी रिटायरमेंट प्लान्स के लिए सेव करो, डैट इज़ सोशल मार्केटिंग, सेविंग्स करो, डैट मैनेजमेंट, लोन्स ना ज़्यादा लो, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। सो ये भी एक ऑप्शन थी, बट ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी गई थी, ठीक है। सो डैट इज द क्वेश्चन आया था चॉइस में, सो टोबैको, फैमिली और पब्लिक हेल्थ, ये तीन में उसका करेक्ट आंसर था। सोशल गुड्स क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब ये उसमें या सोशल गुड्स में देखो जो सोशल मार्केटिंग है उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। मेन चीज़ ये है आपने मार्केटिंग है, मतलब कोई ना कोई चीज़ तो आप भी सेल कर रहे हो ना, अब जो आपका गुड है वो सोशली होना चाहिए, यानी सोशल गुड्स होने चाहिए, यानी इसमें वो सारे कंपेन्स आ जाएंगे, जैसे आपकी इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, और जितने भी इनिशिएटिव आपकी सोसाइटी को अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सोशल मार्केटिंग एक और लाइन थी, समझो स्वच्छ भारत अभियान, सुना होगा आपने, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो स्वच्छ भारत अभियान है जिसका मतलब है क्लीन इंडिया मिशन, ये एक ऐसा कंपेन था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था क्लीनलीनेस प्रमोट करने के लिए, हाइजीन के लिए और सैनिटेशन के लिए। एम ये था कि भाई आप ओपनली डेफिकेशन करो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से उसको इम्प्रूव करो, यानी आपने गंद नहीं डालना, आप क्लीनलीनेस मेंटेन करो, और एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट सभी का एक राइट है, उसको मेंटेन करना के भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सोशल मार्केटिंग है इसमें अब मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स तो आप यूज़ करते हो सोशल कॉजेज़ को प्रमोट करने के लिए, और आप चाहते ही ये हो कि भाई बिहेवियर चेंज आए, तभी सोसाइटी के लोग आपको जो ये अभियान होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे। अब जो ये स्वच्छ भारत अभियान है ये बेस्ट एग्जांपल थी सोशल मार्केटिंग की, जो अवेयरनेस क्रिएट करती है और एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज लाती है, और ट्राई करते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स को इनकरेज किया जा सके कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि उनको क्लीनलीनेस और सैनिटेशन बनाए रखनी है इकॉनमी में, ठीक है। अब आगे आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। देखो जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, अब ऑनलाइन मार्केटिंग भी एक बहुत ट्रेंड में आ चुकी है। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEOs आ जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेस्ट एग्जांपल बताऊँ, दो तीन एग्जांपल्स बताता हूँ, यूट्यूबर्स यूट्यूब में जो एड्स आते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंसर्स ऐड दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, समझ के। अगर आप कोई गूगल पे चीज़ सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने एक बार सर्च कर ली, या अमेजोन वगैरह पे आपने सर्च कर ली जो आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, जब आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप व्हाट्सएप यूज़ करोगे, चलो व्हाट्सएप को छोड़ दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जब यूज़ करो उसमें उसकी ही एड्स रिलेटेड आएंगे, डैट इज़ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
सो जो ऑनलाइन मार्केटिंग है ये बिजनेसेस को अलाउ करते कि वो ना जो उनके रीच है ऑडियंस को लेके वो ग्लोबल हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऑनलाइन मार्केटिंग के दायरे में ही है। आप पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेजेस उनको भेज सकते हो, कस्टमर का बिहेवियर ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपके मैसेज उन पे कोई फर्क अफेक्ट डाल रही है या नहीं डाल रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, वो कहते थे ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये बहुत फ्रूटफुल है अगर हम कंटेंट की और फॉर्मेट की बात करें उसके कॉन्टेक्स्ट में। ये आपको अलाउ करते हैं कि आप अलग अलग मीडिया को यूज़ कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। सेकेंड है इंटरेक्टिव। जो ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ये दो टू वे यानी सेंडर और रिसीवर में बीच में कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं, यानी बिजनेस और कंज्यूमर कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। इससे इंगेजमेंट होगी, कस्टमर की फीडबैक आप ले सकते हो, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपके इसके एग्जांपल दूँ, मान लो अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो या अपना आप नंबर डालती हो तो साथ के साथ ही विद इन वन और टू आवर आपको कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का जो उसके रिप्रेजेंटेटिव उनका फ़ोन कॉल आ जाता है, कस्टमर इंटरेक्शन है। अप टू डेट, देखो ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इजीली आप इसको अपडेट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज कर सकते हो, यानी ये आपको ऐसी काबिलियत प्रोवाइड करती है कि आप बहुत जल्दी मॉडिफाई कर सकते हो और कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। आप अपने मैसेजेस को एडजस्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एज पर जो कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग अप टू डेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है ग्रीन मार्केटिंग। देखो ग्रीन मार्केटिंग जिसे हम सस्टेनेबल मार्केटिंग और इन्वायरमेंटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो ये मार्केटिंग है इसका फोकस है ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस को प्रमोट करो जो इन्वायरमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी इसमें आपको इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करना है, यानी जो आपकी सस्टेनेबल सोर्सिंग करनी है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है और रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करना है। ग्रीन मार्केटिंग का मेन यही है, वो कस्टमर से अपील यही है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इन्वायरमेंटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, यानी जो कस्टमर्स बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट को लेके वो इन ग्रीन मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं, और जितने भी आपके सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स हैं आप ग्रीन मार्केटिंग के थ्रू उनको हैंडल ऑन कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में आप अपने कस्टमर्स के पास सीधा बिना कोई बिचौले के, बिना कोई इंटरमीडिएरी के आप सीधा कस्टमर के पास चले जाते हो। आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है इसमें, आप अपने कस्टमर को मेल डायरेक्ट उसकी ईमेल आईडी पे कर देते हो, फ़ोन कर देते हो, टेलीमार्केटिंग करते हो, ईमेल्स भेजते हो, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भेजते हो। अब जो डायरेक्ट मार्केटिंग है इसमें जो मैसेजेस होते हैं वो पूरे पर्सनलाइज्ड होते हैं, आपके कंपेन्स पूरे टारगेटिंग होंगे, यानी वो बने ही उस कस्टमर के लिए है, आपके कस्टमर के साथ जो इंगेजमेंट है वो सीधी होगी, तीसरा कोई बंदा बीच में नहीं होगा। सो इससे आपको एक तो जो उसके रिस्पॉन्स रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। अब जो डायरेक्ट मार्केटिंग है ये ऐसा इंटरेक्टिव मोड है मार्केटिंग का जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन अपने कस्टमर और टारगेट सेगमेंट के साथ करते हो। जैसे जैसे अब आपको पता है मार्केट्स ग्लोबलाइज हो रही हैं, अब जो इकोनॉमी है ग्लोबल विलेज बन रही है और जो इंटरनेट है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ गया है, सो इससे जो डायरेक्ट मार्केटिंग की ग्रोथ हुई है। जो इंटरनेट है वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी लार्ज ऑडियंस यानी जो आपकी वाइड ग्लोबल ऑडियंस उसके साथ पहुँच कर सकते हो उसके तक, और आप अपने मार्केटिंग कंपेन्स एज पर उनकी नीड्स कंडक्ट कर सकते हो। अब जो डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है इनका लोकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं, ओवर द इंटरनेट है, कोई बैरियर ही नहीं लोकेशन को लेके, आप इसको किसी भी रीजन में किसी भी कंट्री में आपके ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं आप इसको कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन था, देखो जो टेली मार्केटिंग है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मार्केटिंग का ही पार्ट है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मैंने मतलब बता दिया, आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच कर रहे हो डायरेक्टली, बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हो। अब इसमें आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रही है, यानी मार्केटिंग मार्केटर की कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन डायरेक्ट है। सो जो टेली मार्केटिंग है स्पेसिफिकली, अब टेली है मतलब टेलीफोन यूज़ करोगे कस्टमर्स के साथ बात करने के लिए,
काम इसका भी यही है, आपने अपना प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना है और सेल्स करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। सो इसमें वो लाइक आपके जितने भी टेलीफोन पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, वो सारे टेलीमार्केटिंग कंपेन्स, कोल्ड कॉलिंग, कस्टमर सर्वे और ऑर्डर प्लेसमेंट ओवर फोन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। अब डायरेक्ट आपने रीड की है तो इनडायरेक्ट भी है। देखो इनडायरेक्ट मार्केटिंग तब होती है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसी चैनल के थ्रू, यानी वो जानबूझ के तीसरे बंदों को, एक या दो और एडिशनल बंदों को इंक्लूड करती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, डैट इज इनडायरेक्ट मार्केटिंग। देखो इनडायरेक्ट मार्केटिंग में इंटरमीडियरीज का यूज़ किया जाता है, रीसेलर्स का यूज़ किया जाता है। अब ये बंदे लाइक होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। अब जो ये प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, अब कंपनी डायरेक्टली नहीं कस्टमर के साथ बेच रही, वो किसी तीसरे बंदे को बीच में डाल रही है और वो प्रोडक्ट कस्टमर के को सेल कर रहे हैं, ठीक है। रूरल मार्केटिंग, देखो रूरल मार्केटिंग में जो आपका टारगेट कस्टमर है ना, वो है रूरल एरिया में। अब आप अर्बन एरियाज को नहीं टैप ऑन कर रहे, आप रूरल एरिया यानी विलेजेस को टैप ऑन कर रहे हो। जो रूरल मार्केट है इसके जो चैलेंजेस हैं ना, वो भी अर्बन मार्केट से डिफरेंट है, बड़े यूनिक है। यानी आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, पर ये रूरल मार्केट के अकॉर्डिंग होंगे। कंपनीज को ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जो कस्टमर जो विलेज में सिचुएटेड है उनकी नीड्स को उन पर खरा उतर पाए, उनके प्रेफरेंसेस को पूरा कर पाए, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन वो जो टेरेन पोज कर रहा है वो पूरा किया जा सके। आपको अपने प्रोडक्ट्स को अडेप्ट करवाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एज पर रूरल पॉपुलेशन होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आपकी रूरल मार्केट को पूरा सूट करेंगी। रूरल मार्केट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो रूरल मार्केट्स में होती है ना, वो कंपनीज को फोर्स कर रही हैं कि वो इन मार्केट्स को टैप ऑन करें। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको अब रियलाइज हुआ है कि उनके पास अभी भी पोटेंशियल है, उनके पास अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है रूरल मार्केट में, वो अपने आप को वहाँ पे अपनी ग्रोथ को पॉसिबल कर सकती है। अब ये चीज़ें पॉसिबल पता कैसे हुई हैं, क्योंकि इनकम लेवल्स रूरल पीपल के राइज हो रहे हैं, उनका कस्टमर बेस एक्सपैंड हो रहा है, अब उनको भी पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ें भी दुनिया में मिल रही है। सो एट एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, अब वो जो अर्बन में है वो ही कहीं ना कहीं रूरल में भी अब अवेलेबल है। अब रूरल के बंदों के पास, विलेजेस के बंदों के पास हाई फाई इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन अवेलेबल है। जो आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो इंफॉर्मेशन गैप था रूरल और अर्बन के बंदों के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया। यानी अब रूरल कस्टमर्स भी मार्केट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ई कॉमर्स का उनको भी पता है, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का उनको भी पता है। सो इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। अब जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो ग्रॉसरी, अपैरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एग्री इनपुट्स अर्बन एरियाज में जाके खरीदते थे। देखो रूरल कंज्यूमर्स का ऑफन जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई, ये डिपेंड करती थी, उनको शहरों में जाना पड़ता था इन सर्विस को खरीदने के लिए और अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। अब शहर में जाना पड़ता था, कारण यही था क्योंकि उनके अपने एरिया में इतनी वैरायटी नहीं थी, यानी उनको ये चीज़ें अपने विलेज में मिल नहीं रही थी। सो रूरल कंज्यूमर्स को ट्रैवल करना पड़ता था, अब तभी उनको ये चीज़ें शहर से मिलती थी, बट अब आ गई हैं ऑनलाइन चीज़ें, अब उनको घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। वो क्या ग्रॉसरी से लेके अपने एग्रीकल्चर इनपुट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है उनको भी है और एट द एंड कस्टमर की भी ग्रोथ हो रही है, यानी कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है। अगेन सीआरएम में आपको वैसे करवा चुका हूँ, एक बार ऊपर से बता देता हूँ। सीआरएम का फोकस मैंने आपको बता दिया, कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिठानी है, आपने कस्टमर डाटा जो आपके पास है, जो आपके इंटरेक्शंस हुई हैं, उसको अच्छे से मैनेज करना है। इसमें आप टेक्नोलॉजी का और यूज़ करते हो, कस्टमर इंसाइट्स जो आपको मिली हैं पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू, आप उनको यूज़ कर रहे हो। इन चीज़ों को यूज़ करके ही आप उनको अच्छे से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और इससे एक तो आपका कस्टमर लॉयल बनेगा और वो रिटेंशन, आपका जो रिटेंशन रेशियो कस्टमर का वो अच्छा हो जाएगा।
CRM सिस्टम हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो अपनी कस्टमर इन्फॉर्मेशन को मैनेज करें अच्छे से, जो कस्टमर की इंटरेक्शंस उनके साथ हो रही हैं उसको ट्रैक करें और उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दें, ठीक है। सो जो ये ट्रेंड्स हैं मार्केटिंग में जो मैंने आपको अभी कराई, ग्रीन, सोशल, ऑनलाइन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे कहीं ना कहीं कंज्यूमर के दायरे में उसके अराउंड घूम रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसमें हेल्प करेंगे, बिजनेसेस को ज़रूरत है कि वो इन मार्केट डायनामिक्स को स्टडी करें फिर वो अपनी अच्छे से स्ट्रेटजीज बिठाएं। अब जब इन ट्रेंड्स को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में लेके आया जाएगा तब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव रहेंगी, उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी, वो इंगेज कर पाएंगे अपने टारगेट ऑडियंस को अफेक्टिवली और उनके साथ एक अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सेट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन था एक, ओनली लो प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट सेल इन रूरल मार्केट इज अ मिथ अबाउट रूरल मार्केट। अब ये देखो, ये तो पूरा ही पता है आपको कि मिथ है, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब इनकम लेवल्स अराइज हो रहे हैं, अब जो कस्टमर को चीज़ है चाहिए, जिस क्वालिटी की चाहिए वो वही खरीदेगा ना। अब ये तो पूरा मिथ है कि केला कि भाई रूरल मार्केट में सिर्फ सस्ती और चीप चीज़ें बिकती हैं, ये चीज़ बिल्कुल बेकार है। एक क्वेश्चन आया था, देखो नो डाउट प्राइस सेंसिटिविटी है जो वो एक करेक्टरिस्टिक है रूरल मार्केट की, देखो वो तो अर्बन की भी है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, बट ये ट्रू नहीं है कि ये केवल जो जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस कम है वो ही इन मार्केट्स में बिकते हैं। देखो रूरल बायर्स की अलग अलग नीड्स हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी प्रेफरेंसेस हैं और उन्होंने उन प्रोडक्ट जो उनका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उनकी सेटिस्फेक्शन लाता है, यानी जो उनका प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन लाता है, उनकी नीड्स पूरे करता है, उनको जो प्रोडक्ट वैल्यू देता है, अच्छी क्वालिटी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, उसके लिए वो पे करने को रेडी है। यानी जो परचेजिंग पावर है रूरल कस्टमर की वो अब इंक्रीज हो गई, अब वो चीप गुड्स तक सीमित नहीं है। ये पता क्यों है, क्योंकि डिमांड अलग अलग गुड्स की अब बढ़ रही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, चूज करके बताना था रूरल मार्केट। देखो रूरल कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है, नो डाउट, ये तो अर्बन भी होता है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है आपको एडवर्टाइजिंग कॉपी में अर्बन और रूरल के अगर हम कंपेयर करें तो, सेम एडवर्टाइजमेंट कॉपी बनती है। प्रोडक्ट्स जितने सिंपल होंगे, इजियर टू यूज होंगे, उतनी ही सर्विस अच्छे से आप दे पाओगे और मेंटेन कर पाओगे। करेक्टरिस्टिक्स थी रूरल मार्केट की, चूज करके बतानी थी क्वेश्चन में से, ठीक है। अब एक चीज़ें सुनो, बिल बिशप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है जो डिजिटल एज में यूज़ की जाती है। देखो जो बिल बिशप है, इसको ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, अलग चीज़ है, ध्यान से समझ लो। जो बिल बिशप है इसको एसोसिएट किया गया है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के साथ डिजिटल एज में। इसका मेन फोकस यही है, आपने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर दी हैं जो अफेक्टिवली नेविगेट करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें और टेक्नोलॉजीज का, जो मॉडर्न एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनका यूज़ करके मार्केटिंग पॉसिबल करती है। बर्ड कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग, जो डी डॉट बर्ड एसोसिएटेड है, यानी डी डॉट नहीं केवल बर्ड था वो डी, मतलब वैसे आ गया क्वेश्चन में, प्रिंट आउट मिस्टेक है, जो बर्ड है ये डायरेक्टली आइडिया के, जो आइडिया के साथ एसोसिएटेड वो है कि कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग है। यानी इसमें आप इम्फोसाइज करते हो कि भाई प्रैक्टिकल और इंट्यूटिव अप्रोचेस होंगी जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओगे। बहुत जो आपने स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, जो प्रैक्टिसेस आपने फॉलो करनी है, वो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ये किताबी चीज़ें नहीं, असल में आप उनको कर पाओ। जो डेनियल एस जॉर्ज जोनल था, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ एसोसिएट, ये ना मैचिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। चार ऑप्शंस आपको लिस्ट वन में दे दी, चार ऑप्शंस लिस्ट टू में दे दी, सो उनको मैच करना था। देखो जो डेनियल एस जॉनल है ये डायरेक्टली जो ऑनलाइन मार्केटिंग का है उसके साथ एसोसिएटेड था, जो ये कहता था कि भाई मार्केटिंग एफर्ट्स है ना उनको आप इंटरनेट और डिजिटल चैनल का यूज़ करके कंडक्ट करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जेफरी एफ रेपॉट, नई मार्केट स्पेस को मैनेज करो। अब जो जेफरी एफ रेपॉट था इसका आइडिया यही था, आपको मार्केट स्पेस को मैनेज करना है, आपका फोकस होना चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा और इफेक्टिवली ऑपरेट करना पड़ेगा जो डायनामिक मार्केट इन्वायरमेंट है, जो मार्केट इन्वायरमेंट आपके चेंजेस इम्पोज कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, आपको उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।